हेलो एवरी वन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप अपने एम को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं और आज बड़ा खास दिन है आप सबके लिए टू ऑल यंग फ्यूचर आई ए एस आई पी एस आई आर एस ऑफिसर्स सो आज नेशनल सिविल सर्विसज डे है आप सबको पता ही है ठीक है तो ढेर सारी बेस्ट विशेज आपको एंड आई होप कि आज के दिन पर्टिकुलरली जितना आप यूजल डेज में पढ़ाई करते हैं उससे दो तीन घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा देना अपने एम को याद रखना और ये याद रखना म आपने चूज किया है इट्स अग एम नॉट एवरी वन गेट्स टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम आप अगर उस एलिट क्लास में आना चाहते हैं दैट विल एक्चुअली चेंज योर लाइफ फॉर एवर नॉट जस्ट यू इट विल ऑल्सो चेंज द लाइफ ऑफ योर जनरेशन फॉर एवर तो उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ साथ स्मार्टली काम करना पड़ेगा हैविंग सेट दैट और आपको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के मुख्य समाचार हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर जो आप सबको पता है इंडियन एक्सप्रेस ठीक है सो ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल है और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक ये नया टेलीग्राम चैनल जो हमारा बन चुका है उसको ज्वाइन नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्वाइन कर लो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स और इन्फोग्राफ्स आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट विल गो वेरी हैंडी लास्ट मोमेंट रिविजन में काफी काम आ सकता है ठीक है कई बार बस क्या होता है कि एक कोई कॉन्सेप्ट या कोई टर्म न्यूज में चल रही होती है उसके ऊपर सवाल बन जाता है राइट तो वो बस टर्म का मतलब पता हो ना तो ऑप्शन को स्मार्टली एनालाइज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं दिस इज द नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज हेलो डॉट चंदन शर्मा या फिर आप इस क्यू कोड को भी अगर स्कैन करोगे तो यू विल बी एबल टू रीच मी अब आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें यार फ्रंट पेज पे दर इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ फाइव आर्मी मैन शहीद हो गए हैं बहुत ही बुजदलों वाला काम टेररिस्ट ने किया है पूछ सेक्टर में यू पीपल नो नॉर्थ इंडिया जे एंड के रीजन बहुत ही डिस्टर्ब इलाका रहता है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन हमारे पड़ोसी ही इतने प्यारे हैं कुछ ज़्यादा ही लगा हुए उन लोगों के साथ हमारा तो खुद तो लड़ सकते नहीं तो प्रॉक्सी वॉर इस तरह से करते हैं सो so, देखो दोस्तों उस पर डेवलपमेंट्स अभी चल रही हैं ठीक है अटैक हुआ है इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग उस पर डेवलपमेंट्स चल रही हैं आपके एग्जाम रिलीवेंट चीज़ जैसे ही इसके ऊपर मटेरियल अभी निकलना स्टार्ट होता है दैट वॉट एग्जैक्टली वॉज इन्वॉल्व्ड एंड वॉट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दैट अटैक मे बी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ यूज़ हुई कोई स्पेशल टाइप का अटैक था ये कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी के आतंकवादियों ने यूज़ की क्या उस रीजन की कोई खास है जिसकी से हमेशा इस रीजन को टारगेट किया जाता है सो लेट दिसमेंट अल वेरी आपके प्रिलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ के इन दिनों में ना जनरली क्या होता है कि करंट अफेयर से ग्रिप थोड़ी सी छूटती है which is, which is इस टाइम पर स्टैटिक के ऊपर ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉग बनाने की जरूरत है अगर स्टैटिक स्ट्रॉग है तो एग्जाम संभल जाएगा लेकिन फिर भी कुछ करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट आते रहते हैं इन सेशन के थ्रू ठीक है जस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स एक्स पे रिकॉर्डेड देख लो वो करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ लो ठीक है अगर बेसिक चीजें भी पता है तो एलिमिनेशन वगैरह से सॉल्व हो सकता है ठीक है नाउ सी सरकार ने न्यू स्पेस पॉलिसी रिलीज की है तो आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कंपोनेंट बनता है हमारे एग्जाम का तो न्यू स्पेस पॉलिसी ये रिलीज हो गई है और इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एंटिटीज के रोल की क्लियरली एक क्लासिफिकेशन कर रखी है इसरो को कहा गया कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए जो ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को करने दीजिए आप सिर्फ आर एनडी पर फोकस कीजिए इसी के साथ साथ कुछ और प्रोविजन है तो हम इसको देखेंगे क्या है बेसिकली नेक्स्ट वाटर बॉडी सेंसस ठीक है वाटर बॉडी सेंसस को पिछले साल लॉन्च किया गया था तो अब इसका जो डाटा कलेक्शन का पार्ट होता है वो कंप्लीट हुआ है एंड दिस इज बेसिकली फर्स्ट टाइम द इंडिया वेयर इंडिया ने वाटर बॉडी सेंसस को कंडक्ट करा के उसका डाटा हमारे सामने निकाला है तो इसमें वाटर बॉडी की डेफिनेशन क्या दे रखी है सबसे ज्यादा वाटर बॉडी कौन सी स्टेट में है सबसे कम कौन सी स्टेट में है रूरल अर्बन में क्या डिफरेंस है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पौंड सबसे ज्यादा है लेक सबसे ज्यादा है ये सारी चीजें आपको पता है ये क्या बन गया है सेंसस या एक गवर्नमेंट सर्वे बन गया है और क्योंकि वाटर बॉडीज एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो दैट इज द रीजन दट आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा मैं आपके साथ कवर करूंगा एंड आई विल टेल यू कि बेसिकली अपने अगर आएगा तो वो किस तरीके का आ सकता है इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ पिछले वाई uh, लगो कुछ दिन पहले के सेशन में मैंने आपको सुडान के क्राइसिस के बारे में बताया था जहां पे वहां पे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपस में झड़प चल रही है इस झड़प के अंदर इस सिविल वॉर के अंदर वॉट इज कि इंडिया के कुछ ट्राइब्स वहां पर जाते हैं अफ्रीकन नेशन में में और अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहां राइट right? तो ये ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट बन गया गया है है न्यूज में आ गया है और हमारी सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि वहां पे जितने भी लोग फंसे हुए हैं इस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के उनको वापस सेफली लेके आया जा सके सो so दिस ट्राइब इज बेसिकली हकी पिककी ट्राइब ठीक है हकी पिक्कि ट्राइब ऑफ अफ्रीका गया क्यों ठीक है चुट्टिया मनाने गया था या कोई और रीजन था ये हम समझेंगे हाक्की पिक्की ट्राइब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर से रिलेटेड आस्पेक्ट्स इसको हम देखेंगे और आप जानते हैं कि देखो कल्चर में ट्राइब्स इंपॉर्टेंट बनते हैं एंड इंडिया आप सबको पता है देर आर मेनी ट्राइब्स इन अ कंट्री अब सबको ऐसे याद करना उसकी लिस्ट बनाना समटाइम्स बिकम्स अ टीडियस टास्क सो वॉट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस जो न्यूज में चल रहे है ट्राइब्स हैं उस पर तो हमारा खास ध्यान जरूर जाए और सूडान जैसे इशू सूडान का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको उसके मैप रिलेटिव लोकेशन एंड वो सारी चीजें करा रखी हैं सो so, हाकी पिक्की ट्राइब उस वजह से इंपॉर्टेंट बन गया है तो इससे रिलेटेड भी जो आर्टिकल्स आए हैं वी विल कवर दैट एज वेल ठीक है इसी के साथ साथ पाकिस्तान प्रॉब्लम में ठीक है पाकिस्तान प्रॉब्लम में है दिवाला निकलने की कगार बेसिकली आ गई है ठीक है द कंट्री हैज सर्टन हिस्ट्री जो एक एज मतलब तो फेल्ड स्टेट का टैग अगर दिया जाए तो पाकिस्तान को कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ फेल्ड स्टेट एक्चुअली है राइट तो वही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इनके यहां पे आ रखे हैं तो उससे थोड़ा सा राहत लेने के लिए इन्होंने क्या किया है रशिया के साथ एक ऑयल डील साइन की है रशिया से सस्ते में तेल खरीदेंगे ठीक है एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज हम कवर करेंगे आपके साथ चलिए ओवरव्यू दे दिया है स्टार्ट करते हैं न्यू स्पेस पॉलिसी से जो प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए बेसिकली रूल्स निकाल के लेके आएगी अब यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो स्पेस पॉलिसी है स्पेस पॉलिसी किसने अप्रूव की अभी ठीक है पॉलिसी जो है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे कहा जा सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रूवल दिया या कैबिनेट कमेटी ऑन इनोवेशन ने अप्रूवल दिया क्योंकि स्पेस में भी इनोवेशन सही होती है लेकिन आपने याद रखना है द कैबिनेट कमेटी दैट गेव अप्रूवल टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको अपना अप्रूवल दिया है और इस पॉलिसी को बाहर जब निकाला है ठीक है कुछ दिन पहले अप्रूवल uh, मिल गया था अब ये पॉलिसी रिलीज हो चुकी है और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसरो को कहा गया है कि आप आर एंड डी पे फोकस करो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को हम बढ़ाएंगे तीन साल हो चुके हैं हमारे ठीक है इट हैज बिन थ्री ईयर्स सिंस प्राइवेट सेक्टर हैज बिन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पेस मिशन ठीक है अब इसका रोल और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है अब इस पॉलिसी में देखो कोई भी नीति जब आती है तो सरकार की कुछ मंशा होती है उस नीति को इंट्रोड्यूस करने के पीछे आर सर्टन सर्टन टारगेट्स लार्जर ऑब्जेक्टिव जिसको सरकार अचीव करना चाहती है और उस अचीवमेंट के लिए वो पॉलिसी डिजाइन करती है वो पॉलिसी एक रोड मैप का काम करती है जिससे कि उस लार्जर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके तो यहां पर एम क्या है यहां पर एम है कि हम स्पेस बेस्ड रिसोर्सेज बनाना चाहते हैं ठीक है स्पेस बेस्ड रिसोर्सेस इसको हम वॉन्ट टू क्रिएट दम स्पेस से रिलेटेड सर्विसेज में हम अपना वी uh, वॉन्ट के ये सर्विसेज हम बहुत प्रोफेशनल uh, तरीके से और बहुत एफिशियंट मीन्स के यूज करके इसको बना सकें रिसर्च और डेवलपमेंट को तो प्रमोट हमने करना ही है एजुकेशन भी हमने प्रमोट करनी ही है इसी के साथ साथ एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो अलग अलग स्पेस एक्टिविटीज होती हैं राइट right? उसमें किस तरीके से मतलब प्राइवेट सेक्टर का क्या काम होगा गवर्नमेंट का क्या काम होगा प्राइवेट को क्या फ्रीडम है गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है ठीक है और हो सकता है स्पेस में हमें कुछ ऐसा रिसोर्स मिल जाए कोई ऐसा फ्यूल मिल जाए जो हमारी एनर्जी क्राइसिस को दूर कर दे हालांकि बहुत फार फेस्ट थाट है ये बट क्या पता मिल भी जाए ठीक है इंडिया आपको पता है स्पेस में काफ़ी ज़्यादा आगे है सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह का कोई रिसोर्स मिल जाए तो उसमें क्या हो सकता है

राइट right, सैटेलाइट्स को ऑपरेट करना ग्राउंड स्टेशन क्रिएट करके सैटेलाइट्स की मूवमेंट को मॉनिटर करना डाटा का इकट्ठा करना ये सारी चीजें इसमें आती हैं इसी के साथ साथ दे कैन बिल्ड स्पेस पोर्ट्स एज वेल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स तो मैंने बता ही दिया है सर्विसेज जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं एंड वेरी अदर थिंग्स ये पूरा प्राइवेट सेक्टर इसमें प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब यह है कि जैसे इसरो पूरा ऑपरेट कर रही है ना प्राइवेट सेक्टर के पास अब लिबरैलिटी होगी फ्रीडम होगा कि वो भी अपने आप में सारे ऑपरेशन कंडक्ट करवा सके ठीक है ऑब्वियसली अप्रूवल के बाद ठीक है अप्रूवल प्रोसेस को भी काफी स्ट्रीमलाइन किया गया है इसमें प्राइवेट एंटिटीज को यह भी कहा गया है कि आप स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटीज में एनहांसमेंट लेके आइए ठीक है सो दिस इज अ टर्म एंड आई थॉट कि ये टर्म अगर आप खुद से पढ़ते न्यूज में तो हो सकता है कि कुछ समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि ये एक मैकेनिज्म है एक प्रोसेस है जिससे कि हम स्पेस में मौजूद अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं स्पेशली हमारे धरती के इर्द गिर्द ठीक है ये जो स्पेस गार्बेज खासकर है इसको ऑब्जर्व करके ट्रैक करके इनकी कोलिजन को अवॉइड किया जा सके ठीक है ये जो स्पेस स्पेसिज का इशू है इसमें भी प्राइवेट एंटिटी को कहा है कि आप भी अपनी पार्टिसिपेशन करो आप भी अपना रिसर्च अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करो फॉर दिस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ठीक है सो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटीज रेफर टू द मॉनिटरिंग ऑफ स्पेस गार्बेज अगर ये स्टेटमेंट आती है तो इट विल बी ट्रू राइट तो इसके बाद देखते हैं कमर्शियल रिकवरी की बात करते हैं तो स्पेस बेस्ड रिसोर्सेज की बात थी ठीक है इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव में स्पेस बेस्ड रिसोर्स की बात की गई है ठीक है तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल रिकवरी की इजाजत भी दे दी गई है है एंगेज इन कमर्शियल रिकवरी यानी कि अगर कोई asteroid, कोई कोई ठीक चलता फिरता कोई पुर्जा मिल गया स्पेस में और उसमें है रिसोर्स लेट्स से कोई मिनरल मिल गया लेट्स से कोई एनर्जी रिसोर्स मिल गया तो ये ये प्राइवेट सेक्टर जो है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉयड कर सकता है ठीक है ये कंपनीज दे विल बी एंटाइटल्ड टू पोजेस ओन ठीक है ऐसा नहीं कि सरकार का होगा वो प्राइवेट सेक्टर ओन कर सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में कुछ मिला प्राइवेट सेक्टर कैन ओन इट कैन ट्रांसफर इट कैन यूज एंड इट कैन सेल सच रिसोर्सेज लेकिन कानून के दायरे में करना है ये नहीं कि रिसोर्स आया दी चलो जी स्मगलिंग शुरू कर दी ठीक है तो इसके पीछे भी बहुत से लॉज होते हैं तो इसमें जो रिसोर्स मिलता है उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट्स भी पूरा कमा सकते हैं सरकार को क्या मिलेंगे टैक्सेस ठीक है तो कमर्शियल कंपनीज प्राइवेट स्पेस कंपनीज के पास ये बहुत बड़ी ऑपॉर्चुनिटी है दैट ऐसी कमर्शियल एक्सप्लोर्टेशन से ये खूब नोट छाप सकते हैं ठीक है पैसा ही पैसा होगा राइट हा आदि ने बताया है ये जो स्पेस गार्बेज का है कॉमेंट आई कैन सी कैसलर सिंड्रोम बिल्कुल स्पेस गार्बेज स्पेस डेबरी के साथ ही कैसलर सिंड्रोम डील करता है ठीक है चलो इन्होंने बात की ही है तो ये चीज बता देता हूं कैसलर सिंड्रोम होता क्या है स्पेस डेबरी के साथ एसोसिएटेड है ये सिंड्रोम में बेसिकली क्या है कि क्योंकि हमारी काफी सारी स्पेस डेबरी धरती के इर्द गिर्द घूम रही है तो यू पीपल एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई सैटेलाइट ठीक है लेट से दिस इज अटेलाइट और स्पेस डेबरी चल रही है अब छोटा सा पार्टिकल भी जब बहुत हाई वेलोसिटी पे चलता है अगर सैटेलाइट के साथ टकराया ध्वस्त करके रख सकता है पूरी की पूरी सैटेलाइट को राइट ऐसे केस में मान लो चाइना की कोई सैटेलाइट है या चलो चाइना छोड़ो यूएस की सैटेलाइट है या रशिया की सैटेलाइट है वहां पे कोई स्पेस डेबरी टकराई और उसमें डिस्ट्रॉय हो गई वो सैटेलाइट ठीक है दूसरी स्पेस डेबरी इमीडिएटली टकराई ठीक है और ऐसे में आपको नहीं लगता कि इनको ये लग सकता है कि ये चाइना की हरकत है और पता लगा कि थ्रेटन फील करके बिना सोचे समझे चल पड़े लड़ाई करने ठीक है तो कैसलर सिंड्रोम ये पूरा

ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है राइट right? तो पॉलिसी के हिसाब से ये जो इन स्पेस है Center, ये इन को अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए जो इन्हें अप्रूवल चाहिए होगा उसके लिए ये सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम करेगा ठीक है तो यहां पे एक बड़ा ही इजी सवाल अगर बनना हो कि इसरो ऐसा काम करेगा या इन स्पेस या एनएसआईएल ठीक है या एंथ्रेक्स तो आंसर है कि इन स्पेस विल एक्ट एज सिंगल विंडो एजेंसी फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ ऑल स्पेस एक्टिविटीज कि प्राइवेट सेक्टर ने एक प्रोजेक्ट बनाया है उसने लेट्स से कुछ एक्सप्लोरेशन मिशन अंडरटेक करने की वो सोच रहा है किसी एस्ट्रॉइड में राइट उसका प्रोजेक्ट की डिटेल्स बनाएगा इन स्पेस को सबमिट करेगा फिर इन स्पेस जो है उसको अप्रूवल देगा इसरो को यहां पे इस पॉलिसी के हिसाब से इसरो को कहा है कि अब आप जो रूटीन की एक्टिविटीज करते हैं ठीक है सैटेलाइट की मॉनिटरिंग लॉन्चिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स इससे अब थोड़ा सा पीछे हो जाओ ठीक है यानी कि जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है इसरो की कम करने की बात की जा रही है इस पॉलिसी में और इसरो को कहा जा रहा है कि रिसर्च के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो रिसर्च इनोवेशन से टेक्नोलॉजी बनेगी और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां करेंगी फॉर कमर्शियल बेनिफिट राइट यहां पर एक ट्रांजिशन देखने को क्लियरली

क्वेश्चन आ सकता है कि एन भी वैसे तो ये स्टैटिक ही है कि एनएसआईएल स्पेस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए इसरो क्या है NSIL क्या है बट ऐसी चीजें न्यूज में जब बार बार आती है ना तो ऑब्वियसली हमें इन इनपे ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर ग्रिप बना लेनी चाहिए कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स क्या हैं कि ये किस तरह की बॉडी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या सिग्निफिकेंस की इंडिया के स्पेस सेक्टर में इतने भी पॉइंट्स पता हो तो बहुत आप क्वेश्चंस uh, मतलब कर पाएंगे सॉल्व ठीक है इतनी नॉलेज भी अगर हो तो काफी

उस टेक्नोलॉजी को आगे कैसे ट्रांसफर करना है या बेचना है या उसकी यूजेज कैसे रखनी है और उससे सरकार को थोड़ा सा फायदा हो तो उसमें न्यू स्पेस इंडिया यहां पे अपना रोल प्ले करेगी ये मैन्युफैक्चर लीज और स्पेस टेक्नोलॉजीज को बाय भी कर सकती है एसेट्स को बाय कर सकती है और स्पेस बेस्ड सर्विसेज भी देगी सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज को नहीं बल्कि प्राइवेट एंटिटीज को भी ठीक है और प्राइवेट एंटिटीज को वैसे ही इतनी छूट दी जा रही है पॉलिसी के अंडर उनके रोल को बढ़ाया जा रहा है पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा रहा है तो जितनी भी एस आई एल के द्वारा स्पेस सर्विसेज दी जाएंगी ठीक है ये स्पेस सर्विसेज बहुत सी तरह की होती हैं, तो वो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज को भी देंगी ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की अगर बात करूं तो ये बनेगी नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल बिकम नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी इट विल बिकम द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी और इसमें कुछ इंबिक्विटीज हैं कुछ ठीक करना है या फिर फ्रेमवर्क बनाना है फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा कैन एनीवन टेल, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है बिना गूगल किए बताना प्लीज ये टिप्स पे अगर हों इस समय तो अच्छा ही है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है इट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ठीक है मिनिस्ट्री नहीं है प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है ठीक है प्रधानमंत्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है नहीं नहीं पीएम के अंडर आता है अंश इज राइट दिस कम्स अंडर पीएम चलो क्वेश्चन करते हैं बड़ा क्वेश्चन चार स्टेटमेंट्स वाला ठीक है ये बोर्ड थोड़ा टिल्टेड लग रहा है अंश ठीक है गुड एवरीवन ठीक है आकृति पायल हुसैन प्रगति शुभम सिद्धि अभी एवरीवन सही बताया पीएमओ चलो स्पेस पॉलिसी के कॉन्टेक्स में बता रहे हैं ये कह रहे हैं इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ ठीक है तो इसने तो नहीं किया हमने देख लिया सिक्योरिटी ने किया है तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाती है द पॉलिसी लेस डाउन द प्रोविजन फॉर प्राइवेट एंटिटीज टू अंडरटेक एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग लॉन्चिंग एंड ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स ठीक है तो अदरवाइज इसको देख के अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस लगाएं तो हो सकता है कि हम ये सोचें कि लॉन्च तो इसरो ही करेगा सैटेलाइट्स को ऑपरेट हो सकता है ये कर लें पर लॉन्च तो इसरो करेगा सो so, इसमें लग सकता है कि गलत है बट ये स्टेटमेंट सही है और आपने इस स्पेस पॉलिसी में ना सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दिख रही है ना तो वो ट्रू होगी और अगर सरकार को रेगुलेट करने को कह रहे हैं वो ट्रू होगी सरकार का रोल पीछे खींचवा रहे हैं वो ट्रू होगी <coughs>

की बोर्ड में पानी ना चला गया हो यार वो कई बार ज़्यादा पानी चला जाए तो वो दबा रह जाता है ठीक है पूरा right, अभी सोनल शिवम अनुपम एवरी ठीक आंसर है आपका ठीक है सो आई थिंक यू यू आर गेटिंग हाउ वी हैव टू कवर दीज पॉलिसीज इसमें न्यूज में किस तरीके से निकालना होता है ठीक है यही इन सेशंस का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको कैपेबल बनाना कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी पढ़ें चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ें या मंथली मैगजीन से पढ़ें उसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करनी है और उसके आप नोट्स कैसे बना सकते हैं वो इन में आप बेसिकली समझते हैं ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट सी टुडे सिविल सर्विसेज डे एज यू ऑल नो तो सिविल सर्विसेज डे की ओकेजन के ऊपर टीम स्टडी आई ने सी सेल स्टार्ट करके रखी थी ठीक है तो ये सिविल सर्विसेज डे है सिविल सर्विसेज सेल चल रही है और इस सेल का फायदा लेने के लिए आप सिविल सर्विसेज लाइव सर्विस कोड यूज करके जितने भी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज हैं उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं इसमें इस वक्त जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो हमने लॉन्च किया है दैट इज पी टू वाई बैच ठीक है ये कल से लॉन्च हो रहा है कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है लॉन्च तो पहले से ही हो चुका है बहुत से बच्चों ने एनरोल भी कर लिया है सो पीटूवाई बैच एक ऑल इंक्लूसिव कोर्स है इसमें सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं बल्कि आपको प्रिलिम्स का क्रैश कोर्स प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज मेंस का क्रैश कोर्स मेंस की टेस्ट सीरीज इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है बुक्स इंक्लूडेड हैं जो मेन बुकलेट्स होती हैं वो भी मिलेंगी जो सेपरेट कंसोलिडेटेड बुकलेट्स प्रिलिम्स से पहले मिलनी चाहिए क्रैश कोर्स की फॉर्म में वो भी मिलेंगे ठीक है क्रैश कोर्स भी इसमें रहेगा ठीक है मेन्स का भी मटीरियल इसमें रहेगा सब कुछ है मेटोरशिप मिलेगी लाइव क्लासेस रहेंगी एंड हैंडमेड नोट्स आपको फाउंडेशन के मिलेंगे पीडीएफ लेक्चर्स लेक्चर्स के जो पीडीएफ नोट्स हैं इवन वो भी आपको मिलेंगे तो इट्स ऑल इंक्लूसिव कोर्स एंड इसमें मतलब हम तो ये मान के चलते हैं कि इसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन करवा के ही उनको रिलीव किया जाएगा ठीक है तो तभी इसमें ऐसा है कि अगर किसी का प्रिलियम्स क्लियर हो जाता है कि दो हजार चौबीस को ये कोर्स टारगेट कर रहा है दो हजार चौबीस का अगर प्रिलम्स क्लियर हो जाता है तो मेन्स एज ए रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे ठीक है जिसमें आप डेली एनसीआर में आ, फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटी फूड वाईफाई ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और एक फ, पर्सनल अटेंशन फैकल्टी मेंबर्स के मिलने से मेंस ऊपर अच्छी ग्रिप हो सकती है क्योंकि यार देखो मेंस इज इक्वल टू आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग हम खुद से करते हैं लेकिन फीडबैक ना मिले या फीडबैक मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए या फीडबैक मिले पर उसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन उसमें प्रॉब्लम आती है तो इसमें क्या है कि पियर लर्निंग पियर मोटिवेशन के साथ साथ फैकल्टी लर्निंग फैकल्टी मोटिवेशन से भी आपको काफी फायदा मिल सकता है तो अपनी जिंदगी में तो अगर आप वेट कर रहे थे कि कब इसके कोर्स का थोड़ा प्राइस हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाए तो आज वो दिन है और आज लास्ट डे है जहां पर इस प्राइसिस आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं सो यूज द कोर्स सी एस लाइफ एंड एनरोल इन दिस कोर्स और क्लासेस में फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी ठीक है और हम हम उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादातर बच्चे मेंस लिखें तो मेंस के रेजिडेंशियल फैसिलिटी में भी आपके साथ डेफिनेटली मुलाकात होगी इट्स अ गुड फैसिलिटी क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में अगर एक ढंग का थोड़ा सा ढंग का रूम लेना हो ना सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए यू कैन नॉट हैव अ कम्बाइंड शेयरिंग बेस्ड रूम बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है यार और खाने की भी बड़ी दिक्कत आती है फिफ्टीन सिर्फ एक महीने का खर्चा है ओनली रेंट का तीन चार तीन महीने कम से कम रहना पड़ता तो पैंतालीस तो सिर्फ रेंट का खर्चा है तो यहां पे उन चीजों से बच जाओगे वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे ठीक है एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट में यू विल बी फैसिलिटेटेड ठीक है मेरी बातें सुन के कंप्यूटर थोड़ा सा बोर हो गया है चलो ये कह रहा है कि सर वापस आ जाओ अब ठीक है चलो आते हैं राइट right? तो इंडियन एक्सप्रेस का अगला आर्टिकल तो यहां पे देखो फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस हमारा हुआ इसको लॉन्च पिछले साल किया गया था ये याद रखना इसका डाटा अब रिलीज होना शुरू हो गया ठीक है तो इसमें क्या है ये सेंसस किसने रिलीज किया ठीक है बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें में बताऊंगा अब किसने रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा कंडक्टेड ये सेंसस हुआ है इसने क्या बताया इंडिया में टोटल वाटर बॉडीज कितनी है चौबीस लाख 24.24 लाख वाटर बॉडीज है हमारे पास इन वाटर बॉडीज में क्या क्या इंक्लूडेड क्या क्या इंक्लूडेड है पॉन्ड्स टैंक्स एंड लेक्स ठीक है वेस्ट बंगाल में माना गया है कि सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं राइट right, तो साढ़े सात लाख के करीब वाटर बॉडीज वेस्ट बंगाल में सबसे कम वाटर बॉडीज सिक्किम में है ठीक है सिक्किम हैज लोएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज और ये जो वाटर बॉडी सेंसस है दिस हैज हैजिन कंडक्टेड अलॉन्ग विद्स माइनर इरीगेशन सेंसस ठीक है दो हजार के लिए इसको करवाया गया था माइनर इरीगेशन सेंसस के साथ हुआ था ये एडिशनल फैक्ट है कभी वो फालतू सा स्टेटमेंट नहीं आता तो उसके लिए काम आ सकते हैं आपका होमवर्क रहेगा कि ये माइनर इरीगेशन सेंसस को थोड़ा सा सर्च कर लो बहुत ज्यादा डीप में ना जाना कि कौन कंडक्ट करता है इसमें से किस तरह का डाटा निकलता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इतना अगर आप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मेन इसके पॉइंट्स क्या हैं माइनर इरिगेशन सेंसस सेंसस के अब इस में जो वाटर बॉडी सेंसस हुआ है उसमें वाटर बॉडी को डिफाइन कैसे किया गया ठीक कि है तो सेंसस के हिसाब से वाटर बॉडी क्या है ये नेचुरल भी हो सकती है वाटर बॉडी ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरल है मैनमेड नहीं है मैनमेड है नेचुरल नहीं है नेचुरल या मैनमेड दोनों हो सकती है और इसमें जैसे वाटर बॉडी है ना उसकी साइड के ऊपर आप थोड़ा सा ईंटें वगैरह भी लगा सकते हो ताकि वो पानी स्टोर्ड रहे ठीक है कि मान लो एक नेचुरल लेक बनी हुई थी उस नेचुरल लेक का ताकि पानी बहुत ज्यादा ओवर स्प्लिन ना हो जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना आए एम्बैंकमेंट बना दी सरकार ने तो वो भी वाटर बॉडी मानी जाएगी ठीक है तो इसमें इट कैन बी बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स और इसका पर्पज है फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर इरीगेशन या फिर किसी और पर्पज के लिए भी अगर यूज हो रहा है इवन दैट विल बी कंसिडर्ड एज वाटर बॉडी ठीक है अगर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है कि मान लो गंदा पानी फैक्ट्रियों का आया उसको अब ट्रीट करना है उसको भी वो वॉटर बॉडी मान रहे हैं राइट पिसी कल्चर के लिए वॉट इज कल्चर पिसी कल्चर क्या होता है ठीक है पाइसिस एक राशि है सुना होगा तो पाइसिस से पिसी कल्चर बने पी आई एस सी से पिसी कल्चर आगे बने ठीक है रेयरिंग ऑफ फिश रेयरिंग ऑफ फिश घर के लिए भी अगर पानी पीने के लिए किसी ने बाहर अपना रेजरवर बनाया है उसको भी ये बॉडी कह रहे हैं ठीक है हमारे जब मैं छोटा था तो उधर एक सरकारी घर था तो उसमें एक टैंक सा बना हुआ था ठीक है अब छोटे बच्चे के लिए वो छोटा सा टैंक स्विमिंग पूल के बराबर है 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 तो उसको भी वाटर बॉडी माना जा रहा ठीक है रिक्रिएशन इसको काइंड ऑफ स्विमिंग पूल भी वाटर बॉडी माना जा रहा है रिलीजियस kind of सेरेमनीज के लिए या ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी इसको वाटर बॉडी माना जा रहा है ठीक so है सो क्वाइट एन एलेबोरेटिव डेफिनेशन ऑफ वाटर बॉडी है ठीक है क्वाइट एन एलैबोरेटिव डेफिनेशन ऑफ वाटर बॉडी और इसमें देखो रिक्रिएशन में ना ये यार मजाक की है स्विमिंग पूल री सॉरी रिक्रिएशन में ये जो होटलों में स्विमिंग पूल है ना वो वाटर बॉडी नहीं होंगे आ, ये रिक्रिएशन उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे झील चल रही है या आर्टिफिशियल एक लेक बनाई है उसके आसपास एक रेस्टोरेंट बना दिया ठीक है तो दैट इज क्वाइट मतलब ये वाटर बॉडी में लगभग सब कुछ इंक्लूडेड है राइट कमर्शियल स्विमिंग पूल मैंने अब बता दिया ये अलग है ये नहीं कि घर में आपने बैकयार्ड में अपना स्विमिंग पूल बना रखा है तो वो भी ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर लैक में वो भी आ रहा है ऐसा नहीं है राइट right, लेकिन जैसे हरीके के पास पंजाब में देर इज अ हरी के वेटलैंड भी है तो वहाँ वहां पर रिक्रिएशन के लिए भी मतलब लोग रिफ्रेशमेंट के लिए वहां पर बैठते हैं तो उसको भी वाटर बॉडी ऐसे माना जा रहा है ठीक है अब यहाँ पे एक और इसमें डेफिनेशन का एक और आस्पेक्ट है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे जब बर्फ पिघलती है तो पानी की धारा बहती है ठीक है स्ट्रीम निकलेगी स्प्रिंग अगर कोई है आपने अपनी जीसी लॉन्ग में पढ़ा होगा स्प्रिंग क्या होता है कि जब पानी ऐसे ऊज आउट करता है धरती के नीचे से आ, बारिश की वजह से ऐसी स्ट्रीम बनती है तो इस या फिर ये जो रेजिडेंशियल पार्ट से जो ड्रेन निकलता है अगर इसको एक्यूमुलेट भी कहीं किया जाए ठीक है और इसको स्टोर किया जाए बाय डाइवर्टिंग दी स्ट्रीम्स इनटू अ पर्टिकुलर एरिया राइट तो उसको भी वाटर बॉडी कहा जाएगा ठीक इवन दैट विल बी ट्रीटेड वॉटर बॉडी तो डेफिनेशन काफी ब्रॉड और लूज है ठीक है अब इसमें ये इन्फोग्राफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है इसमें एक चीज तो है कि कौन सी स्टेट्स में कितने वाटर बॉडीज हैं ठीक है थीके, इसमें टॉप थ्री स्टेट्स या टॉप फाइव स्टेट्स के आप नाम याद रख सकते हैं वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश आंध्र उड़ीसा एंड असम तो ये क्या बन गया वाउ डब्ल्यू यू ए ठीक है वा वाऊ राइट right, इसका कुछ भी बना लेना निमोनिक जो आपको पसंद आए यू कैन यूज दैट फिर स्टेट्स जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट्स हैं यूटीज जिसमें सबसे कम वाटर बॉडीज हैं तो सिक्किम है जिसमें सबसे कम है ठीक है और ये डेली और अरुणाचल में बेसिकली यहां बता रहे हैं कि हजार से कम वाटर बॉडीज हैं चंडीगढ़ वैसे ही छोटा सा है तो इसमें भी 188 एटी वाटर बॉडीज ऐसे मानी जा रही हैं ठीक है एंड uh, मतलब चंडीगढ़ में मैं रहा हूँ मुझे तो यार सुखना ले दिखती थी वैसे और छोटी मोटी झील होती थी वन इन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ ली सौ अठासी बॉडीज ठीक है देन वाटर बॉडीज लॉस्ट टू ठीक है इसके बारे में भी आगे फैक्ट में बताऊंगा ये पहली बार हुआ है कि किसी सेंसस में वाटर बॉडीज के ऊपर डाटा निकाला गया है तो सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में है नेक्स्ट कम्स तमिलनाडु एंड देन कम्स आंध्र प्रदेश ठीक है तो यूपी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रखी है ठीक है हाँ ये राजीव ने ज्यादा अच्छा बनाया ये वही द साउंड दैट डॉग मेक्स उससे भी याद किया जा सकता है राइट अब इसमें रूरल अर्बन वाटर बॉडीज के बीच में एक कंपैरिजन बताया था ये कह रहे थे कि 24 लाख जो वाटर बॉडीज हैं उनमें से जो 97 परसेंट ज्यादातर वाटर बॉडीज दे आर इन रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में रिलेटिवली काफी कम है ठीक है विच मेक सेंस एज वेल अर्बन एरियाज में रूरल uh, एरियाज में इरिगेशन के लिए चाहिए होती हैं और क्योंकि इनकी डेफिनेशन इतनी लूज है तो इरिगेशन के लिए कहीं से भी कुछ भी बहरा होगा इन्होंने उसको वाटर बॉडी मान लिया सो दैट इज अ रीजन अब ये ना कुछ टॉप कैटेगरीज हैं ये आप याद रख लेना ये आपके काफी काम आएगा ये चार्ट इसमें देखो वॉटर बॉडीज में पॉन्ड्स आता है टैंक्स आते हैं लेक्स एंड एक कंजर्वेशन स्कीम्स भी है तो वो स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा पॉन्ड्स हैं दैट इज वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा टैंक्स वाली स्टेट आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा लेख जहां पर है वो है तमिलनाडु एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स जिस स्टेट में है मुझे लग रहा था उत्तर प्रदेश होनी चाहिए क्योंकि गंगा वहां से बहती है नमामि गंगे का मिशन वहां पे चलता है तो आई वॉज रियली होपिंग कि उत्तर प्रदेश होगा बट इट्स नॉट उत्तर प्रदेश इट्स महाराष्ट्र एंड विद इन वेस्ट बंगाल वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज हैं ऑल ओवर इंडिया दैट इज साउथ ट्वेंटी फोर परगनास ठीक है साउथ ट्वेंटी फोर राइट चलो इसमें इंक्रोचमेंट का मैंने आपको यह बताई दिया इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इंक्रोचमेंट को कैलकुलेट किया गया इसमें और इसमें इनको पता लगा है कि देर आर वन पॉइंट सिक्स परसेंट वाटर बॉडीज आउट ऑफ एन्यूमरेटेड वंस दैट है ठीक है जिसमें से नाइंटी फाइव परसेंट रूरल एरियाज में से है कि वाटर बॉडीज

In of water body के ऊपर बेस्ड है इस न्यूज के ऊपर बेस्ड है दैट आइडेंटीफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्सट ऑफ रिसेंटली व्यूड वॉटरबॉडी पहली स्टेटमेंट कह रही है वेस्ट बंगाल हैज हाइएस्ट नंबर ऑफ एंक्रोच वॉटर बॉडीज इन द कंट्री एंड इट हैजिन कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ठीक है ये सेंसस क्या आंसर होगा ठीक है वेरी गुड आंसर एक्सीलेंट नैनिका एक्सीलेंट अंश अंश का गलत है गार्गी का सही है अभी आपका भी ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को सिद्धि का सही है खुशी का सही है गौरव का भी सही है अपूर्व वेरी गुड सोनल वेरी गुड ठीक है तो देखो पहली चीज व्हेन आई वाज रीडिंग द क्वेश्चन मैंने जानबूझ के करेक्ट बोला था इनकरेक्ट पूछा हुआ है ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल हैज हाइस्ट नंबर ऑफ इंक्रोच वाटर बॉडीज नो एक्चुअली इनफैक्ट इट हैज लोएस्ट नंबर ऑफ इंक्रोच वाटर बॉडीज इसमें देर इज नो इंक्रोचमेंट ऑफ वॉटर बॉडीज फ्रॉम वेस्ट बेंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ ठीक है ये 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 एक important fact इस में दे रखा है है मैंने आपके साथ पे भी कर कि हैं है, लेकिन वेस्ट बंगाल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ इनमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिली और सबसे ज्यादा कहां मिली यूपी में मिली ठीक है so, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और हमारे आंसर में आनी चाहिए ठीक है ज बिन कंडक्टेड बाई ऑफिस ऑफ नहीं इसने कंडक्ट नहीं किया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट किया है ठीक है तो इसका आंसर जो है हमारा सी बनेगा और किसने कौन सी बॉडी ने कंडक्ट किया है उसका जवाब है ये census, ये दिस सेंसस क्योंकि माइनर इरिगेशन सेंसस के साथ हुआ था तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन दिस डिपार्टमेंट ठीक है ये डिपार्टमेंट का नाम है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है तो इस डिपार्टमेंट ने ये सेंसस कंडक्ट करवाया था ठीक है फर्स्ट सेंसस फॉर फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस इन इंडिया ठीक है क्लियर है इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालनी है ठीक है मुझे उम्मीद है पूरी कि इस पे इसके बेसिस पे जो सवाल आएगा आप कर पाओगे ठीक है अच्छा आर्टिकल था आज के न्यूज़पेपर में प्रिलम से जुड़े हुए अच्छी चीजें आई हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे ना अब ये हक्का पिक्की के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स आ गए

बहुत टाइम लग जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है तो आपका काम आसान ऑलरेडी हो चुका है आपने अगर कुछ करना ही है ना आज आप पीवीटीजी गूगल करो गूगल में लिखना पीवीटीजी यूपीएससी ठीक है तो इसमें इसकी डेफिनेशन कुछ examples, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स अगर पीवीटीजी से एसोसिएटेड है उनको नोट करना है आपने ये आपका होमवर्क है आज ठीक है अगर एनर्जी है एफर्ट है तो कर ही लो और जिनका 2023 में भी पेपर है देखो ऐसे टॉपिक्स ना जनरली छूट जाते हैं ये कर लो पिक आ पिक न्यूज में कर लो पीवीटी जी कर लो ये ठीक है चलो इसमें प्रोपोर्शनेटली आप देख सकते हो कि काफी बड़ा नंबर है इन मेंबर्स का जो फंस गए हैं बेचारे सुदान में ठीक है तो गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग देम बैक ठीक है गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि इनको वापस लेके आया जा सके ठीक है So, हक्का पिक्की। दिस इज अ वेरी जिसमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर ने बड़े ही क्रिस्प और तरीके से हक्का पिक्की लोगों से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें बनाई हैं, ठीक है ठीके? तो देखो हक्का पिक्की जो है मतलब होता है पक्षी और पिक्की का मतलब होता है कैचर तो नाम से क्या पता लग गया बर्ड कैचर ठीक है बर्ड कैचर बर्ड कैचर राइट तो ये एक नोमैडिक ट्राइब है नोमैडिक ट्राइब मतलब चलना इनकी फितरत में है फितरत वर्ड कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है यार मतलब उनकी नेचर उनके लाइफ का पार्ट है सो नोमैडिक ट्राइब है ये ठीक है एंड दे आर नोन बाई मेनी अदर नेम्स और उनके नाम क्या हैं इनको मेल शिकारी भी कहा जाता है ठीक है एम ई एल मेल मेल शिकारी कर्नाटका महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं ठीक है थीके? और कर्नाटका की शिवमोगा देवांगरे हसन और मैसूर में ये

ठीक है दिस इज वाघरी भाषा दिस इज एन अनक्लासिफाइड ट्राइबल इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाषा का नाम क्या वाघरी भाषा बोलते हैं अनक्लासिफाइड है इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रखी इसका ओरिजिन क्या है इंडो आर्यन लैंग्वेज है ये और साउथ इंडिया की लैंग्वेज है ये ठीक है कन्नड़ भी कन्नड़ में भी बात कर लेते हैं इंडिया आ, इंडिया नहीं, हिंदी में भी बात कर लेते हैं ठीक है वाघरी भाषा इनकी मेन भाषा है राइट जब वाइल्ड लाइफ लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे तो ये फॉरेस्ट में रहते थे एनिमल्स की हंटिंग करते थे और अपना पालन पोषण करते थे और इनके जो मेंबर्स हैं आज की डेट में क्या कर रहे हैं जब फॉरेस्ट लॉस थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए तो जंगलों में इतना आसान नहीं है अब रहना तो दे आर सेलिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इंडिया में भी एब्रॉड में भी एब्रॉड में ज्यादा और यही बेचने गए थे ये सुदान अफ्रीकन नेशंस में और फंस गए वहां पे कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली ट्राइबल स्टडीज करते हैं ठीक है जो एबोरिजिनल्स और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं उनकी स्टडी करते हैं उनका कहना है कि ये एक नोमैडिक ट्राइब है और इनकी नेचर है ये नेचुरल ट्रैवलर्स हैं और कई दशकों से इन्होंने ट्रैवलिंग ही की है बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर कंट्री ठीक है थोड़ी और इंफॉर्मेशन करते हैं अब कवर थोड़ा सा डीप जाते हैं इस इन्फोग्राफ के बियॉन्ड जाते हैं ठीक है तो ये तो आपको पता लगी गया कि साउथ इंडिया में कर्नाटका हक्की पिक्की का मतलब बर्ड कैचर वॉट एल्स

ये गुजरात और राजस्थान में पहले होते थे ठीक है गुजरात राजस्थान को आपका मैं आप पता है, नेबरिंग नेबरिंग जो है न, के। गुजरात राजस्थान के बॉर्डर ये ओरिजिनली वहां पे होते थे माइग्रेट करते करते या ट्रैवल करते करते साउथ इंडिया की तरफ आए साउथ इंडिया में कर्नाटका में अपनी प्रेजेंस बनाई लेकिन आंध्र प्रदेश के जरिए आए आंध्र प्रदेश में भी इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है क्योंकि यहां पे एक जगह है जलपल्ली जलपल्ली के पास है और ये कहते हैं कि हक्की पिक्की का होम होता था बहुत से इनके जो पूर्वज हैं इसी एरिया में रहे रहे थे थे और काफी लंबे समय के लिए ठीक है जो यहाँ की महिलाएं हैं वो घाघरा पहनती हैं आपने देखा होगा इवन हरियाणा में भी आ, हाँ हरियाणा में भी घाघरा ये एक कॉमन ड्रेस है क्योंकि हरियाणा के भी काफी रीजन राजस्थान के साथ टच होते हैं ठीक है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट भी पास ही पड़ती यहां तो घाघरा इज अ ट्रेडिशनल घाघरा इज ट्रेडिशनल वॉट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन फ्रॉम राजस्थान ठीक है आप जो मूवीज वगैरह में भी देखते हैं वो कौन सा था सांड की आंख ठीक है आई आई थिंक थिंक वहां पे राजस्थान का कल्चर दिखाया तो वहां पे आप देख सकते हैं कि तापसी पन्नू ने वहां पे घाघरा ही पहन रखा है तो यहां की वुमेन पहले घाघरा पहनती थी अब वो साउथ में आ चुकी हैं अब उनका ड्रेसिंग अटायर चेंज हो गया है तो नाउ दे आर वेयरिंग सारीस एंड अदर साउथ इंडियन गार्मेंट्स ठीक है थोड़ा जगह बदलने के साथ लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाता है अब देखो ट्राइबल्स हैं फॉरेस्ट में रहते थे फॉरेस्ट रॉस्ट्रिक्ट हो गए बाहर निकलना पड़ा अब ये नौकरियां क्या करते हैं क्या ये अपना आ, गुजारा कर सकते हैं वो देखना है ठीक है नहीं राजस्थान में घागड़ा एंड कुर्तीस चलती हैं राजस्थान में घागड़ा और कुर्ता कुर्ते चलते हैं ठीक है इवन हरियाणा में भी ज्यादातर घागड़ा एंड कुर्ता वो चलता है कॉलर वाले कुर्ते चलते हैं यहाँ पे ठीक है जनरली राउंड नेक कुर्ताज होते हैं बट वेमन हेयर कॉलर वाला पे पहनती हैं चलो यहां पे आओ यहां पे जो ट्राइबल मैन है ये हंटिंग करते थे ट्रेडिशनली इनकी पुरानी जॉब्स क्या होता था कि ट्राइबल मैन ये हंटिंग कर रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो जंगल के आसपास जो गाय हैं वहां पे भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर रही हैं लेकिन जैसे जैसे लॉज बने इनको जंगलों से बाहर निकलना पड़ा और uh, क्या हुआ कि जितना लॉ अलाउ करता था तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ये थोड़ा सा वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे राइट तो इन्होंने मसाले इकट्ठा करने शुरू कर दिए हर्बल ऑयल्स होते हैं वो निकालने शुरू कर दिए फ्लावर्स और जो आसपास के मंदिरों में मेले लगते थे उसमें ये प्रोडक्ट्स क्यों बेचना शुरू कर दिया था बिजनेस इनका सही चल पड़ा जब बिजनेस सही चल पड़ा तो इन्होंने कहा कि यहां पर इंडिया में डिमांड है अब देखते हैं बाहर कहाँ कहां डिमांड हो सकती है ठीक है इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो तमिलनाडु में मौजूद हक्की पिक्की थे ठीक है साउथ इंडिया में ये महाराष्ट्र में मिल जाते हैं कर्नाटका में मिल जाते हैं तमिलनाडु में भी मिल जाते हैं तो तमिलनाडु के हकी पिकी ये गए सिंगापुर और थाईलैंड ठीक है सिंगापुर थाईलैंड तक ये गए और वहां पे 20-25 साल से इनकी कम्युनिटी वहां पे रह रही है अब देखो गए तो थे ये मार्बल का व्यापार करने ठीक है साउथ इंडिया में आपको पता है बेंगलोर के पास भी देर इज ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ मार्बल तो मार्बल का व्यापार करने गए थे लेकिन वहां पर उनको पता लगा कि इन देशों में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है और इनके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है तो तमिलनाडु के हक्की पिक्की इन कॉन्टिनेंट्स में चले गए इनका देखा देखी कर्नाटका के भी हक्की पिक्की इनके पीछे पीछे वहां पर आ गए और पिछले बीस सालों से इनकी प्रेजेंस वहां पर काफी ज्यादा है तो पैसा तो देखो आ रहा है अब ठीक है ये इंडियन प्रोडक्ट्स इंडियन हर्बल प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल करके दे आर अर्निंग अ लॉट लेकिन एजुकेशन में अभी भी कम है ठीक है एक डाटा यहाँ पे बताया गया कि एक कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी में 2000 हक्की पिक्की थे उसमें से सिर्फ अराउंड वन एट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ठीक है बट पॉइंट इज कि बहुत कम लोग एजुकेटेड थे और इनमें से सिर्फ एक ही सरकारी नौकरी में था और वो भी क्या था पुलिस कांस्टेबल ठीक है तो इनका एजुकेशन लेवल अभी भी लो है अफ्रीका में क्या ये प्रॉफिट कर रहे हैं तो देखो एजुकेशन लेवल लो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये है कि इकोनॉमिकली ये ज्यादा कुछ बैकवर्ड है ठीक है ट्राइबल होने का टैग लग रखा है लेकिन दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स देखो कैसे इसमें अफ्रीकन कंट्रीज में इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि गरीबी को बहुत तेजी से भगा दें पांच लाख अगर ये अपने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में लगाते हैं ठीक है पांच लाख की इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने ये रॉ मटेरियल हर्बल प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया फिर उस पर प्रोडक्ट्स बनाए अब इस इन्वेस्टमेंट को ये दुगना या तिगना कर सकते हैं तीन से छह महीने के अंदर इन अफ्रीकन कंट्रीज ठीक है लेट से किसी ने पांच लाख लगाए पंद्रह लाख बन गए एवरेज लेते हैं चार महीने में ठीक है चार महीने में पंद्रह लाख एक साल में होते हैं बारह महीने तो एक साल में पंद्रह इंटू थ्री कितना बन गया फोर्टी फाइव लाख आई की एनुअल सैलरी कितनी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचने के बाद भी यू पीपल नो मोर देन मी राइट सो प्रॉफिट तो खूब कमा रहे हैं बट कैन ए गो ट्राइबल है ठीक है अब इनके कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं इंपॉर्टेंट है सारे हिंदू फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स है उनको सेलिब्रेट करते हैं साउथ इंडिया के साथ इनका ज्यादा थोड़ा एसोसिएशन है जंगल में रहते हैं तो ऑब्वियसली पनीर टिक्का बटर मसाला तो खाएंगे नहीं जंगल में रहते हैं तो ये नॉन खा लेते हैं ठीक है कैन हंट एंड कैन किल ठीक है हंटिंग कोई ऐसा थोड़ी ना था कि हंट करके वो बस दीवार पे थोड़े ना लगाना था उन्होंने हंट करके खाते हैं ठीक तो है तो नॉन वेज ही खाते हैं इनमें एक प्रथा है कि परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा है परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा है वो अपने बाल नहीं काटता लॉजिक क्या है कि पहचाना जाए कि कोई भी फैमिली है फैमिली में जो सबसे बड़ा बेटा है वो दूर से देख के पहचाना जाए कि अच्छा ये चोटी वाला है ये ही सबसे बड़ा बेटा है ठीक है तो ये इनकी प्रथा है एक ट्रेडिशन है जहाँ पे बड़े बेटे को बाल नहीं काटने होते लंबे बाल रखने होते हैं क्रॉस कजन मैरिजेस ये कर लेते हैं प्रेफर करते हैं बिल्कुल क्रॉस कजन दे प्रेफर कि नहीं फॉलो होता है उसमें लोकल्स की बात माने तो वो कहते हैं कि इधर महिलाओं की जो एवरेज एज है आई फाइंड इट लोकल्स ऐसा क्यों कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो होनी चाहिए वही मैरिज एज बताई जा रही है ठीक है ये एक्चुअलिटी ये तभी पता लगी जब प्रॉपरली सेंसस होता है बट हाँ लोकल्स के अगर सुने तो वो कह रहे हैं कि यस मैरिज एज इनकी 18 एंड 22 है यानी कि बाल विवाह नहीं हो रहा ठीक है पॉइंट ये है पॉइंट है कि बाल विवाह नहीं हो रहा चाइल्ड मैरिज नहीं होती इसमें फिर सोसाइटी जो है इनकी पितृसत्ता नहीं है इसमें पेट्रियार सोसाइटी नहीं है मेट्रियॉर्कल सोसाइटी है ठीक है और शादी के समय पर ये जो दुल्हा है दूल्हे को अपनी दुल्हन की फैमिली को डोरी देनी पड़ती है टू गेट मैरिड ठीक है विच इज रॉन्ग अगर महिलाओं से मतलब फीमेल से फीमेल फैमिली से डाउरी लेना गलत है ये भी गलत है फिर ठीक है तो ये कुछ करना चाहिए बट वही है कि ट्राइबल्स हैं तो वही कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पर हो सकते हैं यहाँ पे कुछ किया ना जाए सो इंडिया इज अ लिटल वियर्ड कंट्री यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है आंसर शायद पता लग गया चलो कोई नहीं चलो शिक्षा लड़कियां रखती हैं वहां पे बाल उनके प्रॉपर होते हैं वो उनके लंबे ही होते हैं ठीक है गर्ल हेयर इट्स देयर चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हक्की पिक्की ट्राइब ये डिस्टिंक्ट ट्राइबल्स हैं हु फॉलो सोशल प्रैक्टिसेस विच आर इन शार्प कंट्रास्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी ये गलत है हिंदू सोसाइटी के साथ काफी ज्यादा लिंक है यहां तक कि कास्ट सिस्टम भी ये फॉलो करते हैं ट्राइब कास्ट सिस्टम के सिमिलर हायरार्की फॉलो करते हैं कहने को ट्राइबल हैं यानी कि इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, है तो प्रोटेक्शन और विद इन देयर ट्राइबल ग्रुप अ की तो डायकोटमी है थोड़ी सी राइट देर इज अ कंप्लीट एबसेंस ऑफ कास्ट लाइक हायर नहीं है जिसमें गुजरातिया सबसे ऊपर वाले इनका क्लान है ठीक है दोनों स्टेटमेंट गलत है आंसर क्या बनेगा डी चलो जी पाकिस्तान पे आते हैं देखो यार इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में ऐसा है कि पाकिस्तान ने क्या किया अभी मॉस्को से रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल लेने का फैसला किया है बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इनके हो रखे हैं इनके बैंक्स जो हैं बंद होने के कगार पे आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का इतना बुरा हाल है क्योंकि देखो फॉरन एक्सचेंज चाहिए होता है कि अगर आपका इंपोर्ट करते हो ना बहुत ज्यादा यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉग बैलेंस ऑफ पेमेंट तो फॉरन एक्सचेंज इनका इट इज नॉट इवन इनफ कि अगले चार हफ्ते निकाल सके राइट नाइनटीन नाइनटीज में हमारे जो क्राइसिस आए थे हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था ये इनका एक महीना नहीं चलने वाला पाकिस्तान का कोलेप्स होने की कगार पे पाकिस्तान चार महीने में इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो सकता है चार हफ्ते में एक महीने के अंदर राइट right? और एनर्जी इंपोर्ट बहुत बड़ा चंक है इनके इस इंपोर्ट बिल का तो इसमें थोड़ी राहत लेने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि सस्ते दाम पे हम रशिया से ऑयल लेंगे लेकिन ये क्रूड ऑयल है रिफाइंड फ्यूल नहीं है उसके बाद लोगों तक पहुंचाया जाएगा इन ऑफ पेट्रोल इसमें ठीक है से लेगी, लेकिन यह होगा तब अगर पहला बैच जो अभी आने वाला है वो स्मूदली होगा तो उसके बाद ऑर्डर और ज्यादा बढ़ेंगे ठीक है तो

2015 से चल रही है कितने साल हो गए आठ साल हो गए अभी तक तो हटा नहीं ठीक है और इसके चक्कर में बहुत बच्चे इवन मी क्या करते हैं ऑप्शनल को लाइटली ले लेते शायद हट ही जाएगा ये उम्मीद हो जाती है जीएस को कर लेते हैं लेकिन जीएस होने के बाद भी अगर ऑप्शनल में दिक्कत है ना प्री बड़ी मुश्किल से क्लियर होता है यार ये मान लो प्री बहुत मुश्किल से क्लियर होता है यू पीपल हैव नो कि प्रिलम्स में कितनी पेन झेलनी पड़ती है उसको क्लियर करने के लिए तो जब प्री क्लियर हो इंश्योर के मेन्स भी हो यार इंटरव्यू तक पहुंचो और अगर ऑप्शनल वीक है तो होता क्या है कि जीएस में अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी हमें वो पुश नहीं मिलता जो हमें धक्का दे के इंटरव्यू तक पहुंचा दे तो ऑप्शनल को टाइमली कर लेना प्रिपेयर वेर एवर जहां से भी आप करना चाहते हो और ऑप्शनल ये इसके लिए कोचिंग जरूरी है ऑप्शनलिएट्जर ओपी गाबा एटसेट्रा ये जो बुक्स बन रखी है ना इनके ऑथर्स ने ये नहीं सोचा था कि यूपीएससी के बच्चे पढ़ेंगे इसे उन्होंने रिसर्च के हिसाब से इन बुक्स को बनाया तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके

इसको में आप एनरोल कर सकते हैं और इनमें बेसिकली जो न्यू बैचेस स्टार्ट हुए उनकी एडमिशन आज खत्म होने वाली है ठीक है तो आपने अगर एनरोल करना है तो आज कर लो सिविल सर्विसेज डे की सेल भी चल रही है सो यूज द कोड सी एस लाइव टू गेट द मैक्सिमम एडमिशन डिस्काउंट ऑन दी इन दीज कोर्सेज ठीक है एंड इन केस आप में से कोई बच्चे अगर फाउंडेशन कोर्स या पी टू वाई में है और ऑप्शनल में एनरोल होना चाहता है तो कॉन्टेक्ट मी ठीक है ये मेरी ई मेल आई डी है चंदन डॉट शर्मा एट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम नाउ पीपल लेट मी बी वेरी क्लियर हेयर अगर ऑप्शन में या, या कोर्स लेना है तभी मेल करना कई बार क्या होता है देखो आई विल ट्राई माई बेस्ट थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट दिलवा सकूं बट होता क्या की मैं अपनी तरफ से करता हूँ ये बच्चा लेते नहीं है तो आई एम पुट इन अ वेरी बैड लाइट ठीक है द अकाउंट देयर आफ्टर मी के सर यू डू दिस एंड दैट वो प्लीज मत करना जब पूरा डिसाइड कर लिया कि लेना है तब कांटेक्ट करना एक और चीज बता दूं अगर आप ऐप में जाते हो ऑप्शनल और पी एक साथ लेना है तो पी में एनरोल करते वक्त अगर आप ऑप्शनल भी साथ में ऐड करोगे उस पर फर्दर डिस्काउंट आपको टोटल में फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा बाय दिस कोड ठीक है तो जो चीज आपको 43,000 की पड़नी थी वो 40 41,000 की इतने की पड़ जाएगी सो तो उससे भी आप फायदा ले सकते हैं ठीक है इफ यू वांट टू सेव सम मनी बाकी ऑप्शन का ऐसा है जहां से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना इसको लाइटली मत लेना दिन के चार से पांच घंटे इनिशियली ऑप्शनल को देने चाहिए रिमेनिंग फाइव आवर्स ये दूसरी तैयारी को देनी चाहिए जीएस की तैयारी को मिलेंगे ठीक है और उन फाइव आवर्स में से ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं ठीक है टाइम देना पड़ेगा यार बड़ा एग्जाम है चलो कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करो कौन रीड करेगा हु रीड समटाइम्स ना आई मिस ऑफलाइन क्लासेस उसमें इंटरेक्शन ऐसी होती थी बट हाँ ठीक है स रेजिडेंशियल के टाइम पर थोड़ा हम फील उठाएंगे अभिषेक फिलोसफी अभी अवेलेबल नहीं है बट डाउन द लाइन देर इज अ पॉसिबिलिटी के ये अवेलेबल करवा दिया जाए अभी अवेलेबल नहीं है पर सत्य मेरा सोशोलॉजी था मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल था हिस्ट्री सोशोलॉजी बोथ आर गुड सोशोलॉजी थोड़ा सा से बहुत से लोग ना यहाँ पे रिलेट कर पाए कि जिंदगी में ना सब खराब हो रहा है एंड शी डिंट नो हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट की कैसे सब ठीक करेगी कैसे मैं करूंगी अपनी लाइफ में अच्छा मेरे को समझ नहीं आ रहा पापा was was tired of fighting and struggling all the time. It seemed just as one problem was solved, another soon followed. कि एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है राइट right? हर फादर ये कुक थे किचन फिल्ड थ्री पॉट्स तीन पॉट्स तीन मटके भरे उन्होंने पैंस भरे पानी से एंड प्लेस्ड ईच ऑन हाई फायर फुल फ्लेम करके उसमें पानी को उस पर चढ़ा दिया थ्री पॉट टू बॉइल उबलना शुरू हो गए बल, 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 कुछ हो रहा है right? so, पहले पहले पोट में उन्होंने पोटेटो डाले आलू डाल दिए दूसरे में अंडे एग्स और तीसरे में उन्होंने कॉफी डाली बीट करके ही देट देम सिट डाउन लेट देम सिट एंड बॉयल विदाउट से वर्ड टू हिस्स डॉटर कुछ नहीं कहा बात डॉटर की बस बातें सुनिए पता है फ्रस्ट्रेटेड है बस बोल रही है और uh, बस वो रख के अभी चुप करके बैठे हैं कुछ नहीं कह रहे द डॉटर मोन्ड एंड वेटेड वंडरिंग ही डूइंग और वो कह रही है कि यार पापा क्या मैं आपको कुछ बता रही हूँ आप ये क्या कर रहे हो सुन तो लो मेरी बात कुछ तो बोलो नहीं बोल रहे पापा जी अब क्या करें 20 मिनट गुजर गए उन्होंने जो बर्नर्स हैं उनको बंद किया आलू निकाले बाहर और उनको बाउल में डाल दिया अंडे बाहर निकाले उनको बाउल में डाल दिया और कॉफी को बाउल में नहीं कॉफी को कप में डाला ठीक है कॉफी को कप में डाला बाउल में नहीं बात बनती और वहां पर अपनी डॉटर की तरफ गए और कहा कि देखा आपने आपने डॉटर डॉटर को कहा कहा कि डिड यू सी बेटे देखा तो पोटैटो एग कॉफी हाँ, देख लिया आलू है एग अंडा है है कॉफी तो उन्होंने कहा ध्यान से देखो पटेटो को टच करके देखो उसने किया तो उसको पता लगा ये उबल गए हैं तो ऑब्वियसली उबलते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं राइट एग्स को देखा एग्स को उसने तोड़ा तो वो बॉइल हो चुका है ठीक है शेल निकला तो हार्ड बॉइल्ड एग है टेस्टी होता है खाने में न्यूट्रिशन भी होता है प्रोटीन होता है इसमें राइट right? एंड उसके बाद कॉफी का सिप लिया उसने कॉफी के सिप से जो कॉफी की एरोमा है उसको पी के उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई ठीक है? तो फादर ने कहा इसका क्या मतलब है राइट right? तो आप बताओ क्वेश्चन यही है व्हाट डज दिस मीन कंक्लूजन क्या है इसकी व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज क्वेश्चन आने से पहले मेरे को पहले ही आंसर चाहिए इसका क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में तो देख के पता जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली बट फिर भी इसकी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो और इस पैसेज से मिलती जुलती अगर कोई लर्निंग है कोर्ट की फॉर्म में आपको पता है क्या वो कोई बता सकता है यहां पे प्रगति क्या कंक्लूजन है ओके शिखा ने कह बी स्ट्रांगर देन योर प्रॉब्लम ओके यहां पे कि ठीक है राजीव कह रहे पेशेंस इज द की सेम वॉटर दैट मेक्स द एग हार्ड सॉफ्ट द पोटेटो वेरी गुड जस्ट करें डीप गए हो आप थोड़ा ऑलवेज वेट मिनट ऑलवेज फोकस वन सेल्फ विद कंडीशन पेशेंस सफरिंग गिव्स स्ट्रांगनेस ठीक है नंदेश पाटिल नंदेश पाटिल का जो है ना वो कंक्लूजन सबसे मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट कंक्लूजन ठीक है ये देखो क्वेश्चन ये है अब इसका आंसर बताओ कि एडवर्सिटीज इन लाइफ कि आपने कंक्लूजन निकालनी है एडवर्सिटीज इन लाइफ कैन चेंज अ पर्सन नेचर एंड द वे ही सीज द वर्ल्ड अराउंड हिम और हर कि एडवर्सिटी अगर आती है तो पर्सन की नेचर बदल जाती है और वो नजरिया बदल जाता है आसपास देखने का चैलेंजेस इन लाइफ दे आर इनएविटेबल आएंगे आने ही हैं मान के चलो चैलेंजेस इन लाइफ ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस एंड लाइफ इज लाइक आंसर है सी अब इसमें सब लोग कह रहे हैं कि आलू को सॉफ्ट बना दिया अंडे को हार्ड बना दिया कॉफी को टेस्टी बना दिया इसमें क्या है आलू हार्ड आलू खा सकते हो आप अगर मैं आने कहने अगर मैं कहूं कि आपको आलू खाना है ठीक है वो कौन थी मार्शियन मूवी में आलू खा रहा था बंदा ऐसे तो खा लेते हैं वैसे लोग पर नहीं खाया जाता है अदरवाइज कॉफी ऐसे टंग के ऊपर लग गया ना पाउडर का भी, छाला पड़ जाता है वहां पे पानी में मिक्स करके ही मजा आता है उसका ठीक है तो यस Coal is not, न, न, नहीं डायमंड नथिंग बट कोल अंडर प्रेशर ये कोट इसके इसमें से निकाली जा सकती है और जैसा अभिषेक शर्मा ने बोला है सोना तपकर कुंदन बनता है ऑप्शन nice. सी है ठीक तो है तो ये कहानी के साथ आप में से बहुत से लोग रिलेट कर पा रहे होंगे और ये चीज याद रखना दोस्तों की एडिवर्सिटीज आती है ए नहीं है ठीक है गुड डाउट है तो पूछो ए क्यों नहीं है देखो एडवर्सिटीज इन लाइफ कैन चेंज अ पर्सन नेचर एंड द वे ही सीज द वर्ल्ड अराउंड हिम और हर ये ठीक है बट इनकम्प्लीट है नेचर अच्छी नेचर हो रही है गलत नेचर हो रही है वो तो नहीं पता लग रहा पैसेज में क्या पता आया है कि चेंज होता है फॉर द गुड चैलेंजेस आते हैं बॉलिंग वाटर ने तीनों चीजों की नेचर में पॉजिटिव परिवर्तन लिया है तो ये इनकंप्लीट है आधी अधूरी है ठीक है ये इनकम्प्लीट है ये आधी अधूरी है इस वजह से ठीक है क्लियर है ये अब नहीं क्लियर है तो कंफर्म कर दो सी जो है वो ज्यादा डेफिनेट है कि कहानी के हिसाब से पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर आ रहा है ठीक है तो वो चीज ऑप्शन सी बता रही है ठीक है तो आज के सेशन में इतना ही आप अपनी तैयारी जारी रखिए अपना मोमेंटम बनाए रखिए लगातार ये सेशंस आते रहेंगे और जो आपके आसपास जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उसको ब्रेक डाउन करके इजी तरीके से समझना उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना और खुद को कैपेबल बनाना कि हम करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़े हमें ये कैपेबिलिटी हो के उसमें से निकालना क्या है वो हमें पता रहे ठीक है सो वी विल कीप ऑन प्रोसीडिंग अड विद लेक्स रेगुलरली संडे को छोड़ के बाकी दिन आते हैं इसके लेक्चर्स राइट एंड इसी के साथ साथ आपको मैंने हमेशा ये सजेशन दी है कि एक मंथली कंपाइलेशन जरूर फॉलो करो ठीक है तो जिस भी मंथली कंपाइलेशन के साथ आपका कनेक्ट बनता है अच्छा तो वो फॉलो कर सकते हो आप ठीक है जो पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर कम पेजेस में अच्छे करंट अफेयर्स जहां पे बता रखे हैं ठीक है डोंट गो बिहाइंड टू मेनी डूइंग टू मेनी थिंग्स तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा लेकिन अच्छे तरीके से जो करंट अफेयर कंपाइलेशन कवर करती है चीज को गो फॉर दैट जो प्रिसाइस है स्टार्टिंग में गो फॉर द वन जो इलाबोरेट करती है बैकग्राउंड ज्यादा बताती है ठीक है सो इसमें जनरली देखा गया कि बैकग्राउंड ज्यादा होती है ग्रेजुअली जब आपके होल्ड बन जाता है स्टार्टिंग के ऊपर करंट के ऊपर तो आपको बैकग्राउंड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती तो इसमें टू दी पॉइंट बात की हुई है ठीक है बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करके हम चीज को समझ जाते हैं रिवाइज करने में भी आसान होता है कम पेजेस में ज्यादा मटेरियल मिल जाता है राइट देन क्वालिटी ऑफ पेजेस क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन कलर्ड पेजेस राइट ये सारी चीजें दे गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग द कनेक्ट विद द करंट अफेयर कंपाइलेशन तो इनके साथ साथ करंट अफेयर कंपाइलेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना और एक चीज और बता दो तो से, दूसर से, तीसर से चौथा ऐसे निकालना है इन सेशन के स्कोप के थोड़ा बाहर चला जाएगा वो लेकिन करंट अफेयर कंपाइलेशन थोड़े से लैग से आती है तो उसमें टीम पूरी बैठती है ठीक है दिस से सारा का सारा काम मैं खुद कर रहा हूं आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर

यहां पे पी को भी फॉलो किया जाएगा हिंदू को भी फॉलो किया जाएगा इंडियन एक्सप्रेस को लाइव मिनट को और वो फिर आपके सामने तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ठीक है ये सेशंस जरूर देखने इनको मिस नहीं करना बट कंपाइलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो विशो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स कल दोबारा मिलते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल और आज सिविल सर्विसेज डे के इस पावन अवसर पर तीन चार घंटे तीन चार नहीं चलो दो तीन घंटे आप थोड़े एक्स्ट्रा देना अपनी पढ़ाई को थैंक यू सो मच